नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल देर रात करीब 1:30 बजे बादल फटने की घटना में अब तक 14 लोगों की मौत होने की पुष्टि हो गई है, जबकि 26 घायल हैं। 102 लोगों के लापता होने की जानकारी है, जिनमें सेना के 22 जवान भी शामिल हैं। पोक्योम के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तासी चोपेल ने सभी जवानों की मौत होने की आशंका जताई है। आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। पूरा मामला है जो सिक्किम से निकल कर आ रहा है, और वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि नेपाल में आए भयंकर भूकंप से सिक्किम के लोहरसन झील टूट गई है और उसका दायरा 1/3 रह गया है। जब बादल फटा तो झील का दायरा कम होने से वह इतना पानी रोक नहीं सकी और इससे तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई और नदी का जलस्तर करीब 15 से 20 फीट तक बढ़ गया। इसके बाद नदी से लगे इलाकों में पानी भर गया है। नदी से लगे कई इलाकों में आर्मी कैंप भी था जो बाढ़ में बह गए हैं, और यहां पर खड़ी करीब 41 गाड़ियां भी डूब गई हैं। बताया जा रहा है कि इसके बाद सिक्किम में 3000 से भी ज्यादा पर्यटन फंस चुके हैं और बिजली गुल है और सैकड़ों गांव का मुख्य मार्ग भी कट चुका है। लगातार SDRF और NDRF की टीम यहां पर तैनात है और रेस्क्यू कर रही है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।